हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2022 में ही रिलीज हुई ब्लैक कॉमेडी थ्रिलर फ्रेश का ब्रेकडाउन, जिसकी डायरेक्टर है मिमी केव और ये उनकी पहली मूवी है। इसमें लीड रोल में आप देखोगे सेबेस्टियन स्टैन यानी के बकी को। इसे काफी प्रेज मिल रही है क्योंकि ये मूवी कुछ ज्यादा ही क्रेजी है। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं नोआ नाम की एक लड़की को, जो कि फिलहाल एक डेट पर आई है। लड़का थोड़ा लेट है, इसलिए वो अपनी कार में ही बैठकर अपनी बेस्ट फ्रेंड मॉली को फोन पर उसके बारे में बता रही है। थोड़ी देर बाद लड़का वहां आता है और उनकी बातचीत शुरू होती है। लड़का कुछ ज्यादा ही डिसेंट और मुंहफट है, इसलिए नोआ को वो पसंद नहीं आ रहा, तो डेट यहीं पर खत्म। खाने के पैसे पे करती है नोआ, लेकिन सारा खाना पैक करा लेता है वो लड़का। डेट खत्म होते ही वो उसे अगली डेट के बारे में पूछता है, तो इसके जवाब में नोआ उसे क्लियर मना कर देती है। तब वो अपना असली रंग दिखा देता है और नोआ को भला बुरा कहकर वहां से चला जाता है। अब नोआ भी वापस जा रही थी, तभी वो नोटिस करती है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। नोआ काफी डर गई थी, लेकिन वो तो बस एक आदमी था जो अपने बच्चे के साथ वहां से गुजर रहा था। अब जाकर इसकी जान में जान आई। इसके बाद वो मॉली से मिलती है और दोनों उसी लड़के के बारे में डिस्कस करते हैं। नोआ काफी टाइम से ट्राई कर रही है, लेकिन अभी तक उसे कोई सही साथी नहीं मिला। तो मॉली उसे समझाती है कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं, तुम अपने आप में बेस्ट हो, लेकिन हम देख पाते हैं कि जरूरत तो इसे है। वो घर पहुंच जाती है और यहाँ भी वो एक डेटिंग ऐप यूज कर रही है, लेकिन इस पे कुछ खास अच्छे लड़के उसे नहीं मिल रहे, एक तो आपने देख लिया। इसके बाद वो शॉपिंग के लिए जाती है मॉल में और वहां से मिलता है स्टीव, जो कि अचानक ही आकर उससे बातें करने लगा। स्टीव अपनी बातों से नोआ को इम्प्रेस करना चाहता था, लेकिन कर नहीं पाता, तो वो डायरेक्टली उससे नंबर मांग लेता है और नोआ ने भी नंबर दे दिया क्योंकि वो खुद भी डेस्परेट है। अब कल ये दोनों जाएंगे डेट पर, जिसके बारे में नोआ मॉली को बता देती है। अगली रात वो उससे मिलती है एक बार में और यहाँ उनकी बातचीत आगे बढ़ जाती है। यहाँ का बारटेंडर पॉल मॉली का एक्स है। खैर, स्टीव उसे बताता है कि वो एक सर्जन है और अब उसकी मॉम जिंदा नहीं है, डैड उसके रहते हैं टेक्सास में और फिलहाल वो यहाँ पर काम कर रहा है। यही हाल है नोआ का, क्योंकि उसके भी मॉम डैड जिंदा नहीं है। नोआ उसके सोशल मीडिया के बारे में पूछती है, लेकिन वो सोशल मीडिया यूज नहीं करता, वो कहता है कि सोशल मीडिया यूजलेस है। नोआ अपने बारे में भी उसे बताती है, वो कहती है कि उसे डेटिंग बिल्कुल पसंद नहीं, जबकि हम उल्टा ही देख रहे हैं। उन दोनों की आपस में जम गई, इसलिए नोआ उसे ले आते अपने घर। अब उनकी बातें खत्म होती है और रोमांस शुरू, उसे एक अच्छा पार्टनर मिल गया। नोआ इस बारे में मॉली को भी बता देती है, तब मॉली उससे स्टीव का इंस्टाग्राम मांगती है, जो कि वो यूज नहीं करता। ये बात सुनते ही मॉली को शक हो गया था, वो कहते कि जरूर कुछ गड़बड़ है, लेकिन नोआ उसकी बात को सीरियस नहीं लेती। खैर, उसने मॉली को पिछली रात के बारे में सब कुछ बता दिया। अगले दिन नोआ स्टीव को डिनर पर इनवाइट करती है, लेकिन डिनर थोड़ा ऑकवर्ड हो गया क्योंकि नोआ नॉन वेजिटेरियन है, लेकिन स्टीव नहीं। वो कहता है कि मैं जानवरों को नहीं खाता। हालांकि नोआ के खाने से उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर फिर भी नोआ खाना खत्म नहीं कर पाती। डिनर के बाद वो दोनों डांस करते हैं और नोआ स्टीव के साथ काफी खुश थी। इसी बीच स्टीव ने नोआ की एक फोटो भी ले ली। थोड़ी देर बाद वो थक कर बैठ जाते हैं, तब स्टीव उसे कहीं बाहर जाने के लिए पूछता है और नोआ भी मना नहीं कर पाती। वो वीकेंड पर जा रहे हैं कहीं बाहर, लेकिन जगह का नाम नोआ को नहीं पता, स्टीव ने उसके लिए सरप्राइज प्लान किया है। ये बात नोआ मॉली को बताती है, लेकिन मॉली को सरप्राइज पसंद नहीं। वो कहते हैं कि मैंने अभी तक उसे देखा भी नहीं और तुम उसके साथ बाहर जा रही हो। तब नोआ उसे स्टीव की एक पिक्चर भेज देती है। अब स्टीव आता है उसे पिक करने, लेकिन फिलहाल वो वहां नहीं जा सकते क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक काफी ज्यादा है, इसलिए अब वो जाएंगे स्टीव के घर और सुबह होते ही वहां से निकलेंगे। वो दोनों वहां से निकल जाते हैं और घर से निकलते ही स्टीव उसे अपना सरप्राइज बता देता है। जिस जगह पर ये लोग जाने वाले हैं उसका नाम है कॉटेज ग्रोव। ये बात नोआ मॉली को बता देती है, लेकिन नेटवर्क ना होने की वजह से मैसेज मॉली तक नहीं पहुंचता। तब स्टीव उसे बताता है कि इस जगह पर सर्विस काफी खराब है, लेकिन मेरे घर पर ये अच्छी हो जाएगी। वो दोनों उसके घर पहुंच जाते हैं, जो कि काफी सुनसान इलाके में था और घर काफी आलीशान है। वो नोआ के लिए एक ड्रिंक बनाता है और ड्रिंक पीते ही नोआ की तबीयत बिगड़ने लगी, और इस बात का शक हमें पहले से ही हो गया था क्योंकि चीजें काफी तेजी से आगे बढ़ रही थी। नोआ ने खुद ही सब कुछ रश कर दिया। एक अनजान आदमी जो 2 दिन पहले तुम्हें मिला है, जिसकी ना तो कोई सोशल पहचान है, ना ही तुम उसे जानती हो, ना ही कोई और, फिर भी तुम उसके साथ आंख बंद करके चल दो तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस तो होंगे ही। और ये पूरा था इस मूवी का इंट्रो, जो कि कुछ ज्यादा ही बड़ा है। थोड़ी देर बाद नोआ की आंखें खुलती हैं, तो उसके आसपास का माहौल बिल्कुल चेंज था। वो चैन से बंधी हुई थी और स्टीव भी उसके सामने बैठा था। नोआ उसे कहती है कि मुझे अचानक नींद आ गई, इसलिए मैं सो गई थी, लेकिन स्टीव कहता है कि ऐसा नहीं है, मैंने तुम्हें ड्रग किया। नोआ को लग रहा है कि ये कोई मजाक है, लेकिन ऐसा नहीं था, वो बहुत ही सीरियस है। नोआ सचमुच कैद हो चुकी है और किसी को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। हालात काफी सीरियस हैं। नोआ को भी जल्दी इसका अंदाजा हो जाता है, लेकिन नोआ सोच रही थी कि स्टीव ने ऐसा क्यों किया। इसका जवाब खुद उसे देता है स्टीव। वो कहता है कि मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, ना ही रेप करूंगा, मैं तुम्हारा मीट बेचूंगा।
वो एक ह्यूमन मीट सेलर है जो कि इंसानी मीट को सेल करता है, जिसके बदले उसे काफी सारा पैसा मिलता है। मीट जितना फ्रेश होगा पैसा उतना ज्यादा, इसलिए फिलहाल वो नोआ को नहीं मारने वाला। वो धीरे धीरे उसका मीट सेल करेगा और एक दिन नोआ खुद ही मर जाएगी, लेकिन तब तक ये इसका ध्यान रखेगा। और ये सब वो इतनी शांति से बता रहा है जैसे इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं। वो नोआ से कहता है कि अगर तुम शांत रहोगी तो चीजें खराब नहीं होंगी। उसने बड़े प्यार से नोआ को वार्निंग दे दी कि किसी को फंसा कर लाया है उसका मीट बेचने को तैयार है और इसे उम्मीद है कि वो शांत रहेगी। नोआ तुरंत ही उस पर हमला कर देती है, लेकिन चेन में जकड़े होने की वजह से वो हमला काम नहीं आता। स्टीव बड़ी आसानी से उसे काबू कर लेता है। इधर हम देखते हैं मॉली को जो कि खुद उसके लिए परेशान है। वो उसे मैसेज करके उसकी लोकेशन बताने को कहती है, तभी मैसेज का रिप्लाई भी आ जाता है। मैसेज में लिखा था कि वो है कॉटेज ग्रोव में, वो उसे बाद में कॉल करेगी क्योंकि वहाँ पर सर्विस खराब है। साथ ही उसने एक फोटो भी भेज दी और ये सब भेज रहा है स्टीव ताकि मॉली को शक ना हो। यहाँ वापस आ जाते हैं नोआ पर, जिसकी हालत काफी खराब है। वो हेल्प के लिए चिल्ला रही है, लेकिन अब इसका कोई भी फायदा नहीं होगा। लेकिन तभी अचानक साथ वाले रूम से उसे किसी लड़की की आवाज सुनाई देती है, जो कि एक मिरेकल था। नोआ उससे हेल्प मांगती है, लेकिन अफसोस वो उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकती क्योंकि उसे खुद हेल्प की जरूरत है। वो भी नोआ की तरह स्टीव की एक विक्टिम है। स्टीव उसे फंसाकर यहाँ पर लाया था और फिलहाल वो उसका भी मीट बेच रहा है। ये हम समझ पाते हैं कि नोआ स्टीव का पहला शिकार नहीं है, वो काफी टाइम से इसी तरह लड़कियों को फंसाकर उनका मीट बेच रहा है। ये मीट वो बेच रहा है कैनिबल्स कम्युनिटी को, जो काफी बड़ी है और इसके मेंबर्स काफी बड़े बड़े लोग हैं। उस लड़की का नाम है पैनी, उसे यहाँ काफी टाइम बीत चुका है और धीरे धीरे उसका मांस लोगों को खिलाया जा रहा है। और सिर्फ पैनी नहीं, उसके साथ वाले रूम में एक और लड़की है मेलिसा। पैनी धीरे धीरे पागल होती जा रही है और मेलिसा पूरी तरह पागल हो चुकी है, क्योंकि आप सोच ही सकते हो कि डेली किसी की बॉडी से मांस काटा जाए तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो दर्द में ही पागल हो जाएगा। ये इनके साथ हो रहा है। पैनी तो बिल्कुल ही उम्मीद छोड़ चुकी, उसने एक्सेप्ट कर लिया है कि वो ऐसे ही मरेगी। लेकिन नोआ को उम्मीद है कि पैनी की फैमिली उसे ढूंढ रही होगी और वो जल्दी उस तक पहुंच जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पैनी की कोई फैमिली है ही नहीं, यानी कि कोई भी उसे नहीं ढूंढ रहा। और सेम यही हाल है नोआ का, उसकी भी कोई फैमिली नहीं है। यानी कि स्टीव बॉस सोच समझ कर विक्टिम चुनता है, ये सिर्फ उन्हें चुनता है जिनके आगे पीछे कोई ना हो। इधर हम देखते हैं मॉली को जो अब भी थोड़ा परेशान है, उस स्टीव के बारे में पता लगा रही है। तभी स्टीव फिर से उसे मैसेज करता है कि वो काफी एंजॉय कर रही है, इसलिए टेक्नोलॉजी ब्रेक लेने के लिए वो फोन स्विच ऑफ कर रही है। यहाँ स्टीव ने मॉली से भी छुटकारा पा लिया। अब मॉली को थोड़ा शक हो गया था, इसलिए उसकी भेजी हुई फोटो को वो इंटरनेट पर सर्च करती है। तब उसे पता चलता है कि वो एक स्टॉक फोटो है, यहाँ उसका शक भी पक्का हो गया। इधर हम देखते हैं स्टीव को जो कि आज लोगों को थाई खिलाने वाला है, लिटरली ह्यूमन थाई। मीट को कट करके वो कुछ पैकेट्स में पैक कर देता है, इसके बाद बॉक्सेस में। तब एक आदमी आकर उन्हें ले जाता है और कुछ इस तरह डिलीवरी की जाती है। मीट के साथ साथ बॉक्स में होती है उन लड़कियों की फोटोज और कुछ पर्सनल सामान, ताकि मीट खाते हुए बाहर को पता रहे कि लड़की कैसी थी। इसके बाद स्टीव जाता है नोआ के पास उसका हालचाल पूछने। नोआ ने खाना भी नहीं खाया और वो खाए भी कैसे, ना जाने प्लेट में क्या होगा। तब स्टीव नोआ को फ्री कर देता है ताकि नोआ अपने बाकी काम कर सके। वो नोआ को कहता है कि कुछ भी फालतू ट्राई मत करना। ये कहकर वो उसे बाहर ले जा रहा था, लेकिन ऐसी हालत में वो शांत कैसे रहती। वो पूरे घर का नक्शा अपने दिमाग में छाप रही थी और मौका देखकर वो भागने का ट्राई करती है, लेकिन भाग नहीं पाती। स्टीव उसका सर दीवार में मारकर उसे बेहोश कर देता है। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो खुद को पाती है सर्जरी रूम में। वो आराम से लेटी हुई थी और स्टीव उसका मांस निकाल रहा था। या स्टीव अपने स्किल्स दिखा रहा है, उसने ऐसी जगह का मांस निकाला है कि अब नोआ ठीक से बैठ भी नहीं सकती। और अब उसने टॉयलेट भी वहीं पर सेट कर दिया, यानी नोआ बाहर नहीं जाएगी। लेकिन स्टीव किसी और को लेकर जा रहा है और वो है पैनी। अब उसका भी मेट निकाला जाएगा। इधर हम देखते हैं मॉली को जो कि उसी बार में आई है जहां स्टीव और नोआ आए थे। यहां वो आई है पॉल से स्टीव के बारे में पता करने। वो पॉल से उसके बारे में पूछती है, लेकिन पॉल कुछ भी नहीं बताता क्योंकि ऐसा करना रूल्स के खिलाफ है। पॉल उसे पुलिस के पास जाने के लिए कहता है, लेकिन वो पुलिस को जाकर कहेगी क्या कि मेरी दोस्त एक आदमी से मिली, मुझे बताकर उसके साथ घूमने गई, मुझे बताकर अपना फोन स्विच ऑफ किया, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो गायब है। ऐसी बात पर पुलिस भी यकीन नहीं करेगी। इस बात को पॉल भी समझ जाता है, इसलिए वो उसे सारी जानकारी दे देता है। स्टीव का असली नाम है ब्रैंडन स्टीवन कैंप। उसका सचमुच कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है, लेकिन उसकी वाइफ है एन कैम्प जो कि फेसबुक पर मौजूद है। यहाँ से हम जान पाते हैं कि स्टीव मैरिड है और उसके दो बच्चे भी हैं। इसके बावजूद वो ये सब कर रहा है। अब इतनी जानकारी इनफ थी स्टीव का पता लगाने के लिए। वो सीधा स्टीव के घर के बाहर पहुंच जाती है और वहां पहुंच कर वो पॉल को भी बता देती है। इधर स्टीव काम के बाद काफी थक चुका है, वो नोआ के लिए एक ड्रिंक लेकर आया है और साथ ही अपनी थकान उसे दिखा रहा है। वो ऐसा दिखा रहा है जैसे ना जाने वो कितना अच्छा काम कर रहा है। वो नोआ को बता रहा है कि तुम जल्दी इस बात को एक्सेप्ट कर लोगी कि जैसा हम चाहते हैं चीजें हमेशा वैसी नहीं जाती, कभी कभी हमें प्रॉब्लम भी झेलनी पड़ती है। ये बात अलग है कि नोआ की प्रॉब्लम वो खुद है, उसी की वजह से नोआ परेशानी में है और वो ही उसे ज्ञान दे रहा है। उसने नोआ को एक मैगजीन दी है जिसमें स्टीव के किसी पुराने विक्टिम ने एक मैसेज छोड़ा है। उसमें लिखा है कि अगर तुम ये पढ़ रही हो इसका मतलब वो तुमसे प्यार करता है, इसलिए लड़ना जारी रखो, बिल्कुल भी हार मत मानना। इससे हम समझ पाते हैं कि विक्टिम्स तो उसके बहुत हैं, लेकिन ऐसी लड़कियां कम हैं जिन्हें वो पसंद करता है, और जिन्हें वो पसंद करता है उनसे बात भी करता है और ये मैगजीन वगैरह भी देता है पढ़ने के लिए ताकि वो बोर ना हो।
कुछ देर बाद स्टीव चला जाता है और वो आवाज़ लगाती है पैनी को, लेकिन कई बार आवाज़ लगाने के बाद भी पैनी को जवाब नहीं देती। उसे लगता है कि वो मर गई। ये सोचकर वो काफ़ी घबरा गई थी, लेकिन आखिरकार पैनी ने जवाब दिया। पैनी काफ़ी पक चुकी थी, उसमें अब जान बाकी नहीं रही। वो पूरे दिन बस स्टीव और कैनिबल्स के बारे में सोचती रहती है। वो उन सबको काफ़ी बद्दुआएं देती है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हो रहा। इधर हम देखते हैं पॉल को। उसे एक मैसेज आया है और वो मैसेज किया है माली ने। उसने अपनी लोकेशन भेज दी ताकि अगर कुछ गड़बड़ हो तो पॉल उसे बचाने आ जाए, क्योंकि वो जा रही है स्टीव के घर में। मैसेज भेजकर वो उसके घर पर पहुंच जाती है, लेकिन वहां से स्टीव नहीं मिलता। घर पर मौजूद थी उसकी वाइफ एन। माली एन को सब कुछ बताकर उससे पूछती है नोआ के बारे में, लेकिन एन नोआ के बारे में कुछ भी नहीं जानती। तब माली उसे वो फोटो दिखाती है जो कि नोआ ने उसे भेजी थी। तब एन कहती है कि इसका फेस ढंग से नहीं दिख रहा, ये कोई और भी हो सकता है। और यही सेम बात कहता है स्टीव, क्योंकि स्टीव भी वहाँ पहुँच गया। अब कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, इसलिए माली वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जाते जाते वो कॉल करती है नोआ को और फोन बज रहा था स्टीव की जेब में। यहाँ स्टीव का भांडा फूट गया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि स्टीव उसे भी मारकर बेहोश कर देता है और अब वो भी जाएगी इसकी जेल में। यह हम ये भी जान गए कि एन स्टीव के काले कामों के बारे में जानती है और खुद उसका साथ भी दे रही है। स्टीव ने माली का फोन भी बंद कर दिया, जिससे पॉल भी समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ा है। अब अगर जल्दी उसका रिप्लाई नहीं आया तो ये उसकी लोकेशन फॉलो करके उस तक पहुंच जाएगा। साथ ही हम ये भी देख पाते हैं कि एन का भी एक पैर कटा हुआ है, यानी ये खुद भी स्टीव की विक्टिम रह चुकी है, लेकिन फिलहाल ये उसका साथ दे रही है क्योंकि ये जान बचाने की कीमत है। क्या स्टीव माली को लेकर उसी घर में पहुंच गया। वो जाता है अपने किचन में और वहाँ काफी लड़कियों के बॉडी पार्ट्स रखे हुए थे। ये वो लड़कियां हैं जिन्हें मारना पड़ा होगा और इनके मीट का प्राइस कम है। साथ ही हम देख पाते हैं कि स्टीव खुद भी कैनिबल है, इसलिए वो जानवरों को नहीं खाता। आज ये नोआ को भी थोड़ा मीट खिलाएगा क्योंकि उसने इसके टेस्ट के बारे में पूछा था। हालांकि नोआ ने खाने के लिए नहीं, सिर्फ क्यूरियस होकर पूछा था, पर अब उसे खाना पड़ेगा क्योंकि स्टीव बड़े प्यार से इसके लिए लाया है। उसे नाराज करने की गलती वो दोबारा नहीं करेगी। नोआ के पूछने पर वो बताता है कि जब वो 18 साल का था तो उसने पहली बार ह्यूमन मीट ट्राई किया था। उसके बाद से अपने जैसे दूसरों की तलाश करने लगा। आगे जाकर उसे कैनिबल कम्युनिटी के बारे में पता चला और तब से वो उनके खाने की पूर्ति कर रहा है। इसी काम को वो अपनी जिंदगी का मकसद मानता है। ये कहकर वो नोआ को एक डिश सर्व करता है। फाइनली नोआ के मुंह भी इंसानी मांस लग गया। साथ ही यहाँ पर हम उन कैनिबल्स को भी देख पाते हैं और स्टीव बताता है कि जो मील तुम खा रही हो इसका प्राइस है $30,000। ये सुनकर नोआ भी थोड़ी हैरान हो गई थी। नोआ को डर था कि कहीं वो खुद अपना ही मांस तो नहीं खा रही, लेकिन फिलहाल जिस लड़की का फ्लैश ये दोनों खा रहे हैं उसका नाम था होप। देखिए कितनी बड़ी आयरनी है। खैर, डिनर के बाद वो नोआ को वापस बंद कर देता है और उसके जाते ही नोआ सब कुछ उगल देती है। वो स्टीव का तरीका उसी पर अपना रही है। उसका भरोसा जीतने के लिए वो वही सब कर रही है जो स्टीव को पसंद है, जैसे कि स्टीव ने किया था इसके साथ। नोआ को बंद करके वो अपने साथ ले जाता है माली को। अब वो उसका भी कुछ निकाल रहा है। अब माली का मैसेज आए काफी देर हो चुकी थी, इसलिए पॉल बार बंद करके उसकी लोकेशन के लिए निकल जाता है। और फिलहाल जो कुछ भी चल रहा है ये काफी अजीब है। स्टीव नोआ को कुछ दिन बाद मार देगा, लेकिन फिलहाल वो उसका पूरा ध्यान रख रहा है। नोआ भी कुछ दिन बाद मर जाएगी, लेकिन फिर भी वो पैनिक नहीं कर रही। ऐसा लग रहा है मानो उसने हालातों को एक्सेप्ट कर लिया। वो काफी दुखी है, लेकिन स्टीव को अपना दुख नहीं दिखा रही, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगी तो उसकी मौत का टाइम और भी पास आएगा। कुल मिलाकर नोआ ने अपने आप को स्टीव के मुताबिक ढाल लिया है और अब आप एन की सिचुएशन समझे होंगे। उसका हाल भी नोआ जैसा रहा होगा, लेकिन सवाल यह है कि ऐसा करके क्या नोआ बच पाएगी। फिलहाल स्टीव नोआ के लिए एक ड्रेस और कुछ मेकअप आइटम्स लाया है जिसे पहनकर नोआ तैयार हो सके, क्योंकि वो कल फिर से साथ में डिनर करेंगे। यानी कि फिर से नोआ को इंसानी मांस खाना पड़ेगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि उसका प्लान काम कर रहा है। वो कहता है कि तुम तैयार रहना, शाम 7 बजे तुम्हें लेने आऊंगा। लेकिन बेचारी नोआ को तो टाइम का पता ही नहीं, वो तो कब से यहाँ पर बंद है। नोआ तैयार होती है, शाम को स्टीव भी उसे लेने आ गया था। वो दोनों टेबल पर पहुंचते हैं और आज मेन्यू में है क्रिस्प लीवर। मैं जानता हूं कि आप क्या सोच रहे हो, आपको लग रहा होगा कि वो लीवर है मौली का, वो बेचारी नोआ के चक्कर में मारी गई। अब स्टीव इतना कुछ प्लान करके नोआ को बताएगा कि वो मौली को खा रही है तो नोआ के होश उड़ जाएंगे। लेकिन मैं बता दूं कि ऐसा नहीं है, ये खा रहे हैं मलिसा को, वही लड़की जो पैनी के बगल वाले कमरे में थी। यानी कि आज फाइनली उसकी सफरिंग एंड हुई। नोआ को काफी दुख हो रहा है ये जानकर कि वो मेलिसा को खा रही है और शायद कुछ दिन बाद कोई और लड़की सेम इसी तरह नोआ को खाएगी। भले ही मूवी कॉमेडिक वे में चल रही है, लेकिन एक एक सीन काफी डिस्टर्बिंग है। स्टीव स्टार्टिंग में किसी लड़की को नहीं मारता, वो मैक्सिमम दिन उसे जिंदा रखता है ताकि उसका मेट ताजा रहे, मतलब कि मौली अभी जिंदा है। साथ ही यहाँ स्टीव उसे अपना विक्टिम कलेक्शन भी दिखाता है और जैसा कि हम देख पा रहे हैं वो काफी लड़कियों का शिकार कर चुका है। उनके फोन से लेकर कपड़ों तक सब कुछ उसके पास है, क्योंकि आगे ये सब कस्टमर्स के पास जाएगा। यहाँ मेलिसा को देख पाते हैं और नोआ देख रही थी उन सबके फोन्स को जिनमें मौली का फोन भी शामिल था। ये देखकर वो पूरी तरह टूट चुकी थी, क्योंकि वो जानती है कि उसे बचाने के चक्कर में ही मौली फंसी होगी। खाना खाते खाते नोआ बीच में ही रोने लगती है, क्योंकि अब उससे नाटक नहीं हो रहा। वो काफी दिन से सब कुछ अच्छा दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये बात हम भी जानते हैं कि कुछ भी अच्छा नहीं है। अभी वो खा रहे हैं ब्रेस्ट, जो कि किसकी है वो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। खैर, वो खुद को संभालते हुए स्टीव को डांस के लिए पूछती है, बिल्कुल वैसे जैसे स्टीव ने स्टार्टिंग में उसे पूछा था। वो दोनों डांस करते हैं और डांस करते करते एक दूसरे में खो जाते हैं।
इसके बाद दोनों जाते एक रूम में। यही वो मोमेंट है जिसके लिए नोआ ने यह सब सहन किया। मौका देखकर वो अपने दांतों से स्टीव के जेनिटल्स को काट कर उसका फोन लेकर वहां से भाग जाती है और स्टीव तो बुरी तरह बेहाल हो गया। स्टीव को लॉक करके वो पहुंच जाते एक दूसरे रूम में जहां उसे मिल जाती है मॉली। यहां में समझ आता है कि जो ब्रेस ये खा रहे थे वो मॉली की थी। मॉली के साथ मिलकर वो पैनी को भी फ्री कर देते हैं, लेकिन तब तक स्टीव भी फ्री हो चुका था। उन्हें ढूंढते हुए वो पहुंच जाता है किचन में, लेकिन वो तीनों भी इसके लिए तैयार थी। वो तीनों मिलकर उस पर हमला कर देती हैं, लेकिन उल्टा स्टीव ही उन पर भारी पड़ रहा था। तब आखिर में वहां रखे टूल्स का यूज करके वो किसी तरह उस पर काबू पाकर वहां से निकल जाते हैं। वो अपनी पूरी ताकत से भाग रहे थे, लेकिन स्टीव अब भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहा। वो तीनों छुपे हुए थे, लेकिन स्टीव किसी तरह नोआ को ढूंढ लेता है। वो उसे मारने वाला था, तभी वो दोनों आकर उस पर हमला कर देते हैं और यहाँ वो तीनों मिलकर स्टीव को मारने में कामयाब हो गए। नोआ ने पूरी भड़ास निकाल ली सीधा उसके माथे में गोली मारकर। इतने में पॉल भी वहां पर पहुंच जाता है, लेकिन गोली की आवाज सुनकर वो भी वापस हो गया। उसके जाते एन वहां पहुंच जाती है सर्वेंट के साथ और घर की हालत देखकर वो सब कुछ समझ जाती है। चेक करने वो बाहर जाती है और देखती है कि स्टीव तो मर चुका। वो अपने सर्वेंट को उसकी बॉडी आइस पर रखने को कहती है, यानी कि मरने के बाद भी स्टीव अपने बिजनेस में काम आएगा। इधर हम देखते हैं उन तीनों को। वो तीनों वहां से निकलने का ट्राई कर रही थी, लेकिन बाउंड्रीज के दरवाजे लॉक थे। मॉली किसी को फोन लगाने का ट्राई करती है, लेकिन उसके फोन में सिग्नल नहीं आ रहे। अब नोआ के पास स्टीव का फोन था, लेकिन वो रास्ते में ही गिर गया। मॉली उसे रोकती है, लेकिन वो फिर भी फोन लेने वापस चली जाती है। फोन तो उसे मिल गया, लेकिन साथ में एन भी। एन उसे थैंक्स बोल रही थी क्योंकि स्टीव को मारकर उसने एन को भी फ्री कर दिया, लेकिन अब वो नोआ को भी मार देगी क्योंकि अगर नोआ बच गई तो ये खुद पकड़ी जाएगी। यह उन दोनों के बीच भारी स्ट्रगल चलता है, लेकिन एन का पलड़ा भारी था। वो गला दबाकर ऑलमोस्ट नोआ को मारने वाली थी, तभी नोआ गाड़ी की चाबी उसके गले में घुसा देती है, लेकिन एन अब भी फाइट बैक कर रही थी। तब उसका खेल खत्म करने वहां पहुंच जाती है मॉली। वो शवल से मार मार कर उसका हेड क्रश कर देती है और अब जाकर हुई मूवी की हैप्पी एंडिंग। इससे हम ये सीख ले सकते हैं कि हमें हालातों से हारना नहीं चाहिए। अगर नोआ भी हिम्मत ना करती और अपने हालातों को एक्सेप्ट कर लेती तो वो भी प्लेट में परोसी जाती। खैर मूवी बहुत ही ज्यादा क्रेजी है। ये काइंड ऑफ एक मिक्सचर है हॉरर म्यूजिकल थ्रिलर का, जिसमें बहुत ज्यादा डार्क ह्यूमर है जो इसे काफी ज्यादा वियर्ड बना देता है। और भी कई सारी चीजें इसमें मौजूद हैं, जैसे कि इसका इंट्रो आधे घंटे से ज्यादा का था। जब स्टीव ने नोआ को ड्रिंक देकर बेहोश किया था, असल में वहां से मूवी स्टार्ट हुई। उससे पहले बस कैरेक्टर्स को बिल्डअप किया जा रहा था और मेजोरिटी ऑडियंस इस आधे घंटे में गैस कर ही नहीं सकती कि आगे जाकर इतना कुछ वियर्ड होने वाला है। खैर मुझे मूवी ओके लगी, कुछ ज्यादा खास नहीं। आप भी अपनी राय बता सकते हो, कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसे एक लाइक जरूर करना, वो बहुत जरूरी है मोटिवेशन के लिए। और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन आपको बहकाकर ले जा सके। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वो आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।